पाकिस्तान का साहेली शहर कराची रली की तरह कई रंगों का इम्तिजाज है, जहां मुतादिद लिसानी और मजहबी बरादरियां रिहाइश पजीर हैं। इस रली का एक जुज शीदी बरादरी भी है, जो हबशी के नाम से जानी जाती है और इनका ताल्लुक अफ्रीकी कबाइल से है। ये मुख्तसर मुसलमान बरादरी ना पैद नहीं हो रही, ताहम उनकी अफ्रीकी शनाख्त मदहम होती जा रही है और उन्हें ये फिक्र लाहक है कि बरेसगीर की सकाफत उनकी अफ्रीकी शनाख्त पर गालिब आ सकती है। शीदी बरादरी की समाज में कोई सियासी आवाज नहीं और उन्होंने अपने आप को सिर्फ अफ्रीकी सकाफत के चंद अनासर पर कायम रखा हुआ है। इस दस्तावेजी फिल्म में हम पाकिस्तान में शीदी बरादरी की तारीख और कराची में मौजूद शीदियों की खसूसियात को उजागर करेंगे। हम आपको दिखाएंगे मंगोपीर में होने वाला सालानी शीदी मेला और बात करेंगे शीदी बरादरी के बुजुर्गों और उनके अराकीन से, जिन्होंने शीदी तारीख को महफूज कर रखा है, और हम उनके साथ ईद भी मनाएंगे। कहा जाता है कि शीदियों का पहला ग्रोह मोहम्मद बिन कासिम के साथ बरेसगीर आया और वो इस इलाके में गुलामों, मल्लाहों और ताजरों के रूप में भी आए। शीदी कम्युनिटी जो है बुनियादी तौर अफ्रीकन ट्रेड और वहाँ से अफ्रीका से अरबिस्तान में इंटर, उसके बाद जो है वो वाय पाकिस्तान, ईरान टू पाकिस्तान कैसे यह इंटर हुई, ये जो है मोहम्मद बिन कासिम के साथ शीदी कम्युनिटी जो है यहाँ से बागे एशिया से इस सरजमीन दाखिल हुए, जो कि मकरान से होते हुए ईरान वाया मकरान, मकरान वाया लसबेला वगैरह होते हुए कराची, सिंध, सिंध टू यानी देवल बंदर वगैरह और इंडिया गुजरात। हमारी कम्युनिटी जो है बरेसगीर में ख़ास तौर पर जो है मोहम्मद बिन कासिम के साथ आई है। इसके अलावा जो है शाहबुद्दीन गोरी की फ़ौज में भी हमारी कम्युनिटी के कुछ अफराद जो है वो थे। ख़ास तौर पर जो सिंध में जो आए हैं वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो हैं वो आए हैं और इधर आकर के जो आबाद हुए हैं। उसमें फिर कराची में कुछ जो आए हैं वो यानी कि जब अंग्रेज़ आए तो उसके बाद फिर जो है उन्होंने जो है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए बुलाया था तामीराती हवाले से, तो उसमें भी कुछ कारीगर हजरात जो हैं वो आए हैं और उन्होंने आकर के जो है यहाँ पर तामीराती जो है उस काम को जो है अंजाम दिया है। और ख़ासतौर पर कराची में जो है इसकी बुनियाद रखने में जो है तो हमारी कम्युनिटी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। शीदियों का कहना है कि उनका ताल्लुक हजरत बिलाल से बनता है जो हबशी थे। हजरत बिलाल रसूल पाक के गुलाम थे, उसकी नस्लों से जैसे कि हम लोग उसके सहारे से चले आ रही थे। अब यहाँ कोई भी ऐसी बात होगी तो हम उनके सहारे से हम लोग जैसे चलेंगे, उनके नाम से उसके नाम से हम काम, हजरत बिलाल की नस्ल से हम लोग सब। शीदियों का कहना है कि लफ्ज़ शीदी अरब में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ सैयद या सैयदी से निकला है, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसों के लिए इस्तेमाल होता है। शीदी से मुराद ये है कि वैसे हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हुमा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा करते थे तो या सैयदी बिलाल कह के, या सैयदी अरबी लफ्ज़ है और वो एहतराम के लिए, जैसे एहतरामन मोहतरमन हम जो कहते हैं वो लफ्ज़ है, और इसी में उसको कन्वर्ट किया गया, तीन नुक्ते आ गए शीदी, हमें शीदी सैयदी की जगह शीदी है, और हमें बड़े फख्र है कि ये बहुत प्यारा नाम और बड़ा नाम है हमारे लिए। शीदी कराची के अलावा ज़ेरी सिंध और बलूचिस्तान के मकरान के साहिल में भी मुकीम है, और वो कराची में उस वक्त से मुकीम है जब कराची कोलाची कहा जाता था। ताहम कराची में अब उनकी ज्यादातर तादाद लियारी और उसके करीबी इलाके सईदाबाद, मुहाजिर कैंप, बल्दिया टाउन, खारादर और किमाड़ी में मुकीम है, जिसके बायस लियारी की ली मार्केट से गार्डन ईस्ट तक का इलाका एक मिनी अफ्रीका लगता है। यहाँ जो इलाके मिनी अफ्रीका की तस्दीक देते हैं उनमें शीदी विलेज रोड, शीदी अरबी मस्जिद, बम्बासा रोड शामिल है। ये नाम इस वजह से पड़े क्योंकि अंग्रेज जिन शीदियों को बंदरगाह पर काम करने के लिए लाए थे उन्हें इन इलाकों में रिहाइश दी थी। लियारी की लोकेशन ये जो जब पूरा कराची मेंटेन हुआ ना वो ऐसी हो गई कि पहले कराची को फसील थी, तो उस फसील का जो किनारा जो था ये जैसे जमायत खाना है
ये किनारा हुआ करता था। तो पहली जो आबादी यहाँ पर जो मुकीम हुई, खासतौर पर जो पहला शीदी बोर्ड कराची का, वो यही जैसे बगदाद का इलाका है या मुंबासा सीट का इलाका है, ये पहला शीदी बोर्ड जो है मेंटेन हुआ, वो शीदी विलेज रोड जो है उधर से बना। तो खारादर और ये एक ही एरिया था लियारी के हवाले से, तो इसमें फिर ये पूरा वहाँ तक जो था एक शीदी गोट था, क्योंकि ली मार्केट तो एक नदी के हवाले से आ जाता था। तो दूसरा दरवाज़ा जो था वो मीठा दरवाज़ा उस तरफ था, बंस रोड की तरफ। तो अहमियत जो है इस खारादर की, ये तो फिर आबादी बढ़ गई, इस हवाले से हमारे लोग जो है वो ज़्यादा जो है लियारी की तरफ सेटल हो गए। तो अहमियत तो आज भी खारादर की वही है, क्योंकि हमारा जो है जैसा कहें आप मेन हेडक्वार्टर जो है वो हमारा यहीं पर है, और हमारा जो एक हमारी रूह है जो है वो यहीं पर है। तो सवाल से हमारे जो है इस इलाके की अहमियत ज़्यादा है हमारे। निजी कम्युनिटी आपको मेजॉरिटी में मिलेगी लियारी क्वार्टर में, सेकंड नंबर पे माजर के सईदाबाद, बल्दिया कॉलोनी, मवाज, हब, इस तरीके से यानी अंदरून शहर कराची के अलावा खेमारी, मनोरा। मनोरा में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि हमारी यानी मतलब कि लियारी तो टोटल आ जाएगी। उसके बाद जो है फिर शहर के हवाले से जमशेद रोड है, इस तरह कोरंगी में है, और इसी तरह यानी वहाँ पर पीस वाइज है, इसी हवाले से मलीर है, यानी इस तरीके से यानी हमारी कम्युनिटी जो है इस तरह पीस वाइज। लियारी के एक कदीम इलाके बगदादी में अफ्रीकी गुलामों की खरीदो फरोख्त भी होती थी। उर्दू अदब के एक मारूफ शायर नून मीम दानिश, जिनका ताल्लुक लियारी से है, बहुत फखर से इस बात का इतराफ करते हैं कि वो जैंजिबर से ताल्लुक रखने वाले अफ्रीकी गुलाम की औलाद में से हैं। हर साल मंगोपीर में शीदी बरादरी का सालाना शीदी मेला होता है, जो जश्न और दुआओं का एक ऐसा मिलाप है जिसमें खास अफ्रीकी रंग सदियों से झलकता आ रहा है। ये सालाना मेला सूफी पीर बाबा मंगो के उर्स के मौके पर होता है। पीर मंगो को बहुत से लोग शीदियों का बलि मानते हैं। सबसे बड़ी हमारी पहचान जो हजरत बाबा मंगो पीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर कुकुलाइस जो फेस्टिवल होता है सालाना, मगरमच्छ को जो पीर वगैरह दिया जाता है, वो एक ट्रेड है हमारी, वो वजह है, वो है, और वो हमारे अकीदे के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम करते रहे और करते रहेंगे आखिर तक भी। जब मेला होता है जैसा कि हम बोलते हैं कोई एक शादी है, जैसे शादी के हम लोग बंदोबस्त करते हैं, कपड़े सिलाते हैं, सोना ये वो वगैरह वगैरह सब हम लोग लेते हैं, किस्म की हमारा मेला है, किस्म की शादी है। चार चार जोड़े कपड़े सीते हैं, कोई छः कोई आठ, हम लोग को ये पसंद होता है मेला। इस मुकद्दस मौके पर मुल्क भर से शीदी मंगोपीर में मुगरमान नामी अफ्रीकी ढोल की धाप पर धमाल करते हैं। मंगो के मज़ार की एक नुमाया खसूसियत एक तालाब भी है जिसमें 100 से ज़ायद मगरमच्छ रहते हैं। कहावतों के मुताबिक ये मगरमच्छ लाल शहबाज कलंदर की जुएं हैं जो पानी में गिरकर मगरमच्छ बन गई। शीदी मेले में ये मगरमच्छ एक खास अहमियत रखते हैं, क्योंकि मेला शुरू होते ही शीदी लड़कियां इन मगरमच्छों को नजराना पेश करती हैं, जबकि उम्र रसीदा खवातीन मुगरमान की थाप पर अनजानी जबान में गाते हुए मगरमच्छों की तालाब की जानिब बढ़ती हैं। इस जबान के बारे में शीदी कहते हैं कि ये जबान स्वाहिली, सिंधी और बलूची का मजमुआ है। धमाल के दौरान बरादरी के बुजुर्ग बगैर किसी खौफ किए नजराना पेश करने के लिए मगरमच्छों की तरफ बढ़ते हैं, और अगर मगरमच्छों ने उनकी नजरानों को कबूल कर लिया तो शीदी समझते हैं कि ये साल उनके लिए पुरअमन तरीके से गुजर जाएगा। मजार से एक किलोमीटर के फासले पर गंधक के गर्म और ठंडे चश्मे मौजूद हैं। शीदी समझते हैं कि ये चश्मे हजरत लाल शहबाज कलंदर की करामात हैं। आते हैं बाबा के पानी में नहाते हैं, कोई बीमारी उनको ख़त्म हो जाता है, बीमार आते हैं कोई खारिश वाले इधर नहाते हैं पानी में। ये ठंडे से मशहूर है ठंडा चश्मा सकी सुल्तान का,
वहाँ गरम से मशहूर है, कलंदर लाल का चिल्ला है, वहाँ शहनशाह का है, बाबा फरीद का है, जलील शाह बादशाह का एक स्टाप आगे, वहाँ पे बहुत गर्म पानी है, 6-7 चश्मा है। साइंसी तजरियों का कहना है कि गंधक से गुजरने वाले चश्मे का ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड से कुदरती तौर पर खालिस है, जो कि यकीनन जिल्द के अमराज के लिए मुफीद है, और जल्दी बीमारियों से शिफायाब होने वाले हजारों लोग यहाँ आते हैं। शीदी मेले में शिरकत करने के लिए मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद भी यहाँ आते हैं। ताहम ये शीदियों का ही मेला है जिसकी रंगारंग रस्में शीदी कौम की अफ्रीकी शनाख्त को उजागर करती हैं। शीदी ज्यादातर सूफी मुसलमान हैं और शीदी मेला उनकी सूफियाना सकाफत और शनाख्त का मजहर है, जबकि शहर में शीदी बरादरी के कई मुकामात पर मज़ारात भी मौजूद हैं। जितने बड़े औलिया अल्लाह हैं, खासकर पाकिस्तान में से सेवन शरीफ हुआ या कहीं भी, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी का कोई ना कोई पार्ट जरूर होता है। अलमारूफ बाबा गौर, जिनके तसल्लुस से जो है ये सिलसिला चल रहा है, और उसकी जो तरीकत जो हम कर रहे हैं उसका ये मकाम है। एक मकाम तरीकत का आपने मंगोपीर पे भी देखा, और एक मकाम जो है वो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है तीन और भी मकाम हैं। कि हमारे एक सिलसिला है हमारे पीर मुर्शिदों का, जैसे अल्लाह चाहे तुमको तो ये बाबा गौर पीर, ये हमारा बहुत बड़ा। शीदी सूफी सकाफत उनकी अफ्रीकी विरासत का मुंह बोलता सबूत है। उनके धमाल पर बजाए जाने वाले ढोल एक मुकद्दस अहमियत रखते हैं। गोमा धमाल की एक किस्म होती है, धमाल को ही कहते हैं गोमा, और गोमा जो है असल में ये सवाली लफ्ज है। अफ्रीका की सकाफत से हवाले से हमारे पास आजकल मगरमान है, जिसे मुसिंडा भी कहते हैं, विनान भी कहते हैं, उसके दो तीन नाम हैं। तो ये अफ्रीका के हवाले से वो हमारे पास ये साज रह गया है धमाल, जहाँ तक क्योंकि एक वजदानी साज है, और जैसे मगरमान जो है ये भी एक वजदानी साज है क्योंकि इसके ऊपर एक खाल है, और इस्लाम के अंदर भी एक खाल का साज जो है वो जायज़ है। तो इस हवाले से फिर जैसे इस मगरमान की ईजाद जो है ये हज़रत कम्बर अलैहिस्सलाम ने की है, और इस ख़ास तौर पर जैसे रवायत है कि ये इसकी ईजाद की हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की दिल बहलाने के हवाले से, हजूर ने भी इनकी आवाज़ सुनी इस मगरमान की और उन्होंने बाकायदे उन्हें जो है कबूलियत का शरफ दिया। तो उसके बाद फिर जो है ये साज जो है वो हमारी कम्युनिटी के हवाले से एक रूहानी जो है वो हैसियत अख्तियार कर गया। उनका यकीन है कि जिन्हों और बदरूहों को खुश रखने के लिए कुछ रस्में अदा करनी ज़रूरी हैं, जिनके लिए मगरमान ढोलों का इस्तेमाल करना ज़रूरी, क्योंकि इन ढोलों की थाप से बदरूहें भाग जाती हैं। शीदियों का यकीन है कि धमाल से जिन खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिन और बदरूहें इंसान पर हावी होने के साथ साथ इंसान को अंदरूनी तौर पर जकड़ लेती हैं, और इनसे निजात पाने के लिए उनको धमाल से खुश करना ज़रूरी है। जिनों के हवाले से जैसे अब ये सैलानी साद हैं, तो इस पे तो अब तसव्वुफ के हवाले से हर मखलूक जो है वो जैसे वो तो ट्रेवल में होती है, तो इसका मतलब कि अल्लाह का जब जिक्र होता है उस पर जो वजदानी कैफियत होती है, तो फिर जो जिन हैं या जो परियां हैं या जब ये वो जिक्र सुनती हैं तो उन पर भी जो वजदानी कैफियत तारी होती है, तो फिर उनका वजूद जो है वो इस धमाल में जो हमारे साथ जो आता है तो उसका कंसेप्ट जो है वो ये एक हकीकत है, और इसके लिए एक समझो कि वो तो आँख चाहिए देखने वाली। मंगोपीर के अलावा लियारी में भी एक सालाना शीदी धमाल होता है, जो 11 से 13 रबीउस्सानी शीदी मखाता, दादा मकबूल और माई मिस्री के उर्स के मौके पर होता है।
धमाल ली मार्केट में अलफरीद कंपाउंड से शुरू होता है और शीदी विलेज रोड से होकर वापस वहीं आ जाता है। धमाल के बाद जिनों और रूहों को खाना, मिठाई और फलों का नजराना पेश किया जाता है, जिसके बाद शीदी उनसे सवाल जवाब करके अपने मसाइल का हल तलब करते हैं। धमाल के लिए मुख्तलिफ खुश्क मेवे और अर्क के गुलाब का एक खास मशरूब तैयार किया जाता है, जो शीदी आहिस्ता आहिस्ता पीते हैं और ढोल की थाप पर स्वाहिली और उर्दू में सात जिक्र गाते हैं। जिक्र में ज्यादातर जो है कुछ स्वाहिली अल्फाज है और सिंधी अल्फाज है। सिंधी क्या में कुछ ज्यादा है, स्वाहिली जबान और सिंधी जबान ये है, उर्दू जबान भी है इसमें, गुजराती जबान भी जो है उसके अल्फाज भी है। जो शरबत बनता है तो उसको ठोगा कहा जाता है, ये एक अफ्रीकन लफ्ज है। तो हर धमाल के अंदर जो है ये एक रस्म है कि शरबत का कंसेप्ट इसलिए रखा है कि जो भी आते हैं फिर उनका जैसे एक मुंह मीठा करने के हवाले से वो शरबत जो है पिलाया जाता है। शीदी चार कबाइल में मुनकसिम है, जिनमें खारादर मकान, हैदराबाद मकान, लासी मकान और बुलेरो मकान शामिल है और वो माशी तौर पर सख्त मुश्किलात का शिकार है। अब यहाँ पर अपने इलाके के नाम से मशहूर है, यानी ये रवायती है। जैसे अभी कराची में जो रहने वाले हैं वो शीदी कम्युनिटी खारादर के नाम से मशहूर है, इस तरह लासी शीदी कम्युनिटी के नाम से, हैदराबादी के नाम से, बेलारा के नाम से, इस तरीके से वो इलाका वाइज है। माजी में शीदी बढ़ाई, धोबी, ड्राइवर, दीगर हाथ के हुनर के पेशों से वाबस्ता थे। हमारे कम्युनिटी के प्रोफेशनल जो हैं वो इसमें आजकल जैसे मैकेनिक हैं, पुराने जैसे होते थे जैसे एकदम से अवाली दौर से निकले थे तो धोबी का काम भी करते थे और फिर जैसे कारपेंटर का काम, ज़्यादातर कारपेंटर हमारे पास जो है वो अच्छे हैं। हमारे कम्युनिटी में से बहुत से लोग आए फनून लतीफ़ा के अंदर भी, जिनमें फनकार ज़्यादातर और बहुत से अपनी फील्ड के अंदर जैसे स्पोर्ट्स के अंदर आए। एक बहुत बड़ा नाम था जो कराची में स्काउटिंग के हवाले से, उनकी जो कराची में बुनियाद रखी स्काउटिंग के हवाले से, वो मरहूम गुलाम सिंह शीदी साहब ने जिन्होंने उन्होंने बुनियाद रखी और आज भी उनके जो इंस्टीट्यूशन जो है वो चल रही है। इस वक्त शीदियों में महज 2% ख्वांदा अफराद मौजूद हैं, ताहम ये ख्वांदा अफराद ज़्यादातर अंदरून सिंध मुकीम हैं। न्यू जनरेशन जो है, मौजूदा दौर के जो बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड है और हम अपने वालदेन से ज़्यादा एजुकेटेड थे। नो लाइफ विदाउट लाइफ, नो क्या कहते हैं, नॉलेज विदाउट कॉलेज। शीदियों के लिए अपनी शनाख्त का फरोग मुश्किल है क्योंकि जिन इलाकों में वो रह रहे हैं वहीं की तहजीब अपना ली है। सिंध में वो सिंधी और बलोचिस्तान में बलोची बोलते हैं, जबकि उनकी मादरी जबान स्वाहिली है। जबान के हवाले से जो इंटीरियर सिंध में रहते हैं वो सिंधी बोलते हैं, जो बलोचिस्तान में रहते हैं वो बलोची बोलते हैं। और हमारे जो कम्युनिटी के हैं जैसे जो इंडिया में रहे उनकी जो है गुजराती लैंग्वेज है, लेकिन जबानें अलग अलग बोलने के बावजूद भी सकाफत का अंसर जो है उनमें एक ही है। बरादरी के ज़्यादातर लोगों की जड़ें तंजानिया के इलाके जानजबर से हैं। वैसे तो हमारे आबा अजदाद जो है उनका ताल्लुक ज़्यादातर जंजबार से हमने जहाँ तक सुना है। शीदी दावा करते हैं कि जागीरदारी और ग़ुलामी के बायस उन्हें दबा दिया गया और इसी वजह से वो अपनी तहजीब और सकाफत को सही तरह से संभाल नहीं सके। उनका कहना है कि वो अपनी जिस्मानी खदोखाल की वजह से खास हदफ हैं। शहरों में तो फिर भी जो है हमारे लोग जो है वो सही तौर पर मेंटेन है, लेकिन अंदरून सिंध पे जो है वो इनके ऊपर जो गुलामी का असर है वो उन्होंने मुसलत किया हुआ है, जबकि देखा जाए कि हमारी कौम गुलाम नहीं है। हम जो है इस खित्ते में जो है एक सिपाही की हैसियत से आए हैं और लेकिन बाद में आने वाले हालात ने और इनके माशरे की नाहमवारियों ने हमें जो है आज इस सतह पर पहुंचा दिया है कि हमारे लिए बड़े मसाइल जो हैं वो पैदा हो गए हैं। Oh, 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 oh
बतौर मुसलमान शीदी रमजान और ईद भी मनाते हैं। कराची में लियारी और खारादर में अक्सरियत होने के बायस उनकी सरगर्मियां इन्हीं इलाकों में हैं, जो त्यौहार और उससे कबल यहां आने वाले कई शीदियों को मुतवज्जा करते हैं। आते हैं, मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियां खरीदने जाते हैं, कपड़े वगैरह सुनते शॉपिंग करने सारी जाते हैं। ईद की खूब तैयारी भी चांद रात पे शॉपिंग करते हैं। जाने को तो हम अपने यहीं 24 पे ही जाते हैं, मतलब यहीं से सब कुछ मिल जाता है आराम से, यहीं से हम खरीदारी कर लेते हैं। ईद बहुत अच्छी गुजरती है। दोस्तें आती है, मिलने जाते हैं सबसे, बड़े छोटों का हाथ जैसे मिलना, हाथ चूमना, ये सब हम लोगों में होता है। सेवैयाँ बनाते हैं, मीठी सेवैयाँ जो बनती है वो बनाते हैं, खूब मज़े करते हैं, बहुत मज़ा आता है। हम ईद सबसे पहले तो ईद की तैयारी जो होती है उसके मुताबिक तैयार होते हैं, यानी कि नए कपड़े वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह जो भी है। फिर कोई मिलने आता है उससे मिलते हैं, हम खुद जाते हैं मिलने किसी के घर जाते हैं, और सेवैयाँ वगैरह जो भी होती हैं वो खाते हैं, अम्मी का थोड़ी बहुत हाथ बटाते हैं अम्मी के साथ, और बस यही होता है, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। ईद में हम झूले वूले खाने जाते हैं, वो सबसे ज़बरदस्त लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो भाई, ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक कैसे हैं? ईद मुबारक हो, ईद मुबारक हो, बुरा तुम्हें ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक बेटा, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये हमारी बड़ी बहन है, ईद मुबारक। क्या हाल है? ठीक ठाक। शीदी भी हमारी तारीख और माशरे का एक हिस्सा है, इसलिए उनका भी हक है कि मुल्क और शहर की दीगर बरादरियों की तरह भी इन्हें तालीम, सेहत और समाज में मुकाम और इज्जत दी जाए। आप देख रहे हैं CNBC की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, और आज मेरे पास दो इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं, दो इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ रादर, और इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बात है कि ये है मदर एंड डॉटर कॉम्बो दैट आई एम गोइंग टू इंटरव्यू इन टुडेज शो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स सेमी राहील एंड महरीन राहील। Hello and welcome to the show. Thank you very much. Assalamu alaikum, Hina. Assalamu alaikum, and thank you so much for joining in today.